बेंटेन। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जिसमें एक मॉन्स्टर टैंक बेकाबू हो चुका होता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। पर शायद इसे रोकना पुलिस के बस की बात नहीं थी, इसलिए इसे बेन के ग्रैंडपा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टैंक इतना पावरफुल होता है कि वह ग्रैंडपा को भी भयभीत कर देता है, इसलिए बेन उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी में होता है। लेकिन उसकी बहन ग्वेन उसे बार बार रोक लेती है क्योंकि यह काम ग्वेन भी करना चाहती थी। इसलिए वह दोनों मिलकर इस टैंक को ठिकाने लगा देते हैं, जिसके बाद अगले दिन बेन अपने फ्लाइंग स्केटरिंग का इस्तेमाल करके अपने बहन और ग्रैंडपा को ढूंढने लगता है। लेकिन वे लोग इसे कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए बेन थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसे कुछ अजीब से दिखने वाले एलियन मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए बेन अपनी पूरी जी जान लगा देता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर उसी के ओमनीट्रिक्स वॉच में रहने वाले सारे एलियंस उसी के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक एलियन बेन को बताया कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और ऊपर से क्लास में भी सो गए हो, वो भी टीचर के सामने, जिसे जगता हुआ देखकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि बेन अपने दुनिया को बचाने के चक्कर में खुद के कामों पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए उसे सपने आते हैं। ऊपर से उसके स्कूल के कुछ अड़ियल बच्चे जो हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं, हालांकि ये सब पर्सनल परेशानी उसके लिए कुछ खास मायने तो नहीं रखती, पर उसे बुरे हालातों में जरूर फंसा देती है। जैसे एक बार बेन हीट लास्ट एलियन बनकर सीधे अपने घर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके घर में जलने के निशान हो गए थे, जिसे देखकर बेन के मॉम डैड उससे दो सवाल पूछते हैं। पहली तो ये कि तुम हर रोज क्लास में सो क्यों जाते हो, और दूसरी ये कि इस घर में जलने के निशान कहाँ से आए। सब कुछ जानते हुए भी बेन उनको कुछ नहीं बताता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिनों के लिए घर में बंद रहने की सजा मिलती है, जो उसके लिए बिल्कुल ही बोरिंग थी। इसलिए वह एक रात ट्रेट्रक्स नाम के एलियन के साथ ओमनीट्रिक्स बनाने वाले एलियन से मिलने जाता है। पर यहाँ अफसोस की बात यह होती है कि बेन को जंगल में एक बड़े एलियन से लड़ना पड़ता है, जो बीच में ही पता नहीं किधर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बेन के घर वालों को भी पता चल गया था कि बेन घर से गायब है, जिसका पता लगाने के लिए उसकी बहन ग्वेन अपने जादू का भी इस्तेमाल करती है। फिर भी उसका कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि बेन तो स्पेसशिप में बैठकर टेट्रेक्स के साथ अंतरिक्ष में आ चुका होता है। इसके बावजूद भी इनके स्पेसशिप पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बेन सीधा नीचे गिरने लगता है। ऊपर से इसने टेट्रेक्स से अपने घड़ी को भी अपडेट करवा लिया था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके घड़ी का अपडेट ही कुछ ऐसा था कि वह जब चाहे तब एलियन तो बन सकता था लेकिन इंसान नहीं, परंतु वॉच के इस्तेमाल से वह बच जाता है। इसलिए एक टाइम ट्रेवल करने वाला एलियन किसी दूसरे एलियन को ढूंढते हुए उसके पास आता है और इससे उसका पता पूछता है, और बेन के न बताने पर वह उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या बेन भी अपने सारे एलियंस का पावर इस्तेमाल करके उसे भी खूब पीटता है। मतलब यहाँ तक देखा जाए तो दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन अंत में बेन एक छोटा एलियन बनकर इससे बचते हुए सीधे अपने घर आता है, जिसे देखते ही उसकी माँ उसे झाड़ू से पीटने लगती है क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये उनका बेटा है। खैर बेन को तो इस मुसीबत से उसके ग्रैंडपा बचा लेते हैं, जिसकी वजह से टेट्रेक्स बेन के वॉच को वापस ठीक कर देता है ताकि वह दोबारा से इंसान बन जाए। लेकिन टाइम ट्रेवल वाला ये एलियन बेन का पीछा ही नहीं छोड़ता है। लेकिन जब टेट्रेक्स बेन को दोबारा से इंसान बना देता है, तब टाइम वाला एलियन बेन पर अटैक करना बंद कर देता है, क्योंकि इसे जिस एलियन की तलाश थी उसका नाम एजमत था, जिसे ढूंढने के लिए इनको बेन के ओमनीट्रिक्स वाली दुनिया में जाना पड़ता है, जो कि बहुत अजीब होती है क्योंकि यहाँ जब भी इनके ऊपर कोई खतरा आने वाला होता है तो इनको पहले ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से ये लोग इन अननोन जीवों के खतरों से बच जाते हैं। परंतु इनको इस नई जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर भी ग्वेन बहुत जल्द समझ जाती है कि यह सब बेन के ओमनीट्रिक्स के अंदर एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, जो एलियन के डीएनए को स्कैन करता है और उनसे कुछ भी खतरा महसूस होने पर वो सारे एलियंस को अपने अंदर खींच लेता है। और यहाँ यही घटना इनके साथ भी हुई है, क्योंकि ये जो एलियन है वो है अजमत का पिता, मतलब बेन के ओमनीट्रिक्स को बनाने वाले अजमत के पिता, जिसे अपने बेटे अजमत की तलाश थी, जिसके लिए इसी ने बेन के स्पेसशिप पर अटैक किया था, क्योंकि इसे लगता है कि एविल बेबिक नाम का यह एलियन अजमत को गायब किया था और इस एविल को बेन के ओमनीट्रिक्स ने, बस इसीलिए ये टाइम ट्रेवल वाला एलियन मतलब बेन के ओमनीट्रिक्स को बनाने वाला एलियन का बाप शुरू से ही बेन के पीछे पड़ा होता है। लेकिन अंत में जब ग्वेन और बेन को पता चलता है कि एविल बेबिक ही इस एलियन का बेटा है, तो बेन भी एक बड़ा एलियन बनकर उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अजमत का फादर तो उसे जान से मारने पर तुला होता है। इसलिए बाप बेटे की इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ग्वेन अपने जादू का इस्तेमाल करके अजमत को बताती है कि ये एलियन तुम्हारा डैड है और इन सब की शुरुआत तुम्हारे द्वारा बनाई गई बेन के ओमनीट्रिक्स वॉच की वजह से हुआ है, इसलिए तुम इसे ठीक करने की कोशिश करो। ग्वेन के इस बात से प्रभावित होकर अजमत बेन के वॉच को अपने पिता की सहायता से ठीक कर देता है और बेन को बताता है कि उसे सब कुछ पता है। इसलिए वह ओवरलोड वॉच को ठीक करने के लिए यह ओमनीट्रिक्स का सिमुलेशन रचा था, और इसी बहाने अजमत हजारों साल बाद अपने पिता से भी मिल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।